आप ही लोग लेकर आए हो ना? लाइट लगाने का पैसा लोगे क्या तुम लोग? चलो रेडी आ गया खुशाल है। बार बार दिन ये आए, बार बार ये बार बार आएगा ना। इधर आओ हम लोग काटेंगे, आप लोग काटेंगे। आप आओ सेंटर की मुंडी है। पीछे जाओ। गो बार बार ये डिस्को बंद करो। भाई थोड़ा काम पीछे कर लो। ठीक है सर, मारने के फूल है इसके। एक तो थोड़ा एक कैमरे को ऑडियंस के लिए। हाँ, ये सारी ऑडियंस के लिए। रतन थैंक यू सो मच। इतना मैंने इतना बड़ा खाया। एक बार टीवी 9 को ज्यादा खाना वो कैमरा आगे लिया ना। व्हाट सबकी तरफ से टिश्यू दे दो। काटो भाई ले जा। अभी मैं कुछ बोलूंगा, अभी बोलोगे फिर क्या ये इंडिया फोरम्स का बूम है। अब ये लोग बोले मेरे बाल ए भाई न्यूज़ में पता चल गया मामा मंगा है। बराबर है सारे गलत काम आगे रखते हैं। आ रहा है मुझे मारा है इधर से सामने आ रहा है। इधर आइए इंट्रो भी प्लीज प्रॉपर तरीके से। अरे 5 मिनट खत्म करो। नहीं पता ही नहीं चला, एक साल से ऐसे पति को झेल रही हूँ। लुक सेंटर में हाँ, दादी के साथ मैंने शूटिंग शुरू किया था और सबसे पहला मैंने शॉट इनके साथ ही किया था, दादी के साथ। और कितने साल हुए मुझे बिके हुए आपके हाथों? हाँ, इसको मैंने 1 लाख में खरीदा था। ये हेलो 90,000 में खरीदा था। क्यों कर तो आपने खरीदा बोला 90,000 में बिकी थी मैं। एक साल हो गया, बहुत 10,000 दादी ले गई। आज इसने मेरे पूरे घर पे कब्जा कर लिया। देखिए कितनी डेंजरस है, इसलिए मैं आप सबको ये राय देना चाहती हूँ। 1 लाख में भी महंगी है। नहीं नहीं, 1 मिनट, मेरे को सब लोगों के लिए मैं एक अच्छी सलाह देना चाहती हूँ कि आप जो आपके घर में काम करती हैं सर्वेंट्स, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि बाद में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कब्जा कर ले आपके घर पर। जैसे इसने कर लिया मेरे घर पे और मेरे पे देखिए धैर्य स्टाफ इसकी मैं सर्वेंट बना लिया इसने मुझे और खुद नौकरानी जो है वो। और मैं मैसेज देना चाहूंगी हर इंसान जो काम कर रहा है जैसे आप मैं कि अगर संतुष्टि के साथ काम किया जाए, संतोष की भावना रखी जाए तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। और जो असंतुष्ट इंसान हो जाते हैं उनके पास ये आ जाता है। हर इंसान को धैर्य कहाँ से मिल सकता है? जी समय सबका बदलता है। बिजनेस खड़ा करूँ मैं, क्रेडिट ले जाइए, मतलब है क्या? क्रेडिट कहाँ ले जाती हूँ? संतुष्टि नहीं चाहिए, एम्बिशन चाहिए लाइफ। तुम तो संतुष्टि रखना भी नहीं, तुम्हें एम्बिशन चाहिए लाइफ में। संतुष्टि नहीं है मैं सब कुछ, पैसा होता है पैसा। स्क्रीन पे भी लड़ते हैं, यहाँ भी तीनों लड़ रहे हैं। नहीं नहीं ये सही कह रहा है, पैसा तो पैसा सब कुछ होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, चाहे ये नौकरानी है, चाहे बीवी बन जाए, चाहे मालकिन, दुखी ही रहेगी, आंसू इसी के गिरते रहेंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। सुनील कैसे भी रहे
स्क्रिप्ट बदलो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ। ये खुशी के आंसू है। ऐसी आप मेरी क्या हो, जिठानी, ऐसा पति, ऐसी दादी कहाँ मिलती है। बहुत ही सुखी जिंदगी है। ये तो हो गया, इनकी बात हमसे पूछिए। ये तो फर्स्ट बर्थडे था, अभी कितना बर्थडे उम्मीद करती है, कितना संतोषी सेलिब्रेट कर रही है। संतोषी का सात, सात साल, सात लकी नंबर है। सात साल जेल पाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग को आदत हो गई है। आप देख ही रहे होंगे कि हम लोगों की कितनी ट्यूनिंग है, हम लोग कितना मजाक करते हैं और हम कितना खुश रहते हैं। इसीलिए ये हमारा शो जो है हिट है, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्टर, सारा यूनिट बहुत मिलजुल के पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स तो है, काफी काफी पॉजिटिव वाइब्स। और यहाँ आज तक कभी किसी एक्टर का किसी एक्टर से झगड़ा नहीं हुआ, कभी यहाँ कोई टेंशन नहीं हुई है, इसलिए ये शो। मेरा संतोषी का कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नाक तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं, नजर ना लगाओ। हम लोग लड़ते भी हैं। जाता है इसको क्या, मतलब मैं संभाल कर संभाल ले, तुम झेल लेती हो। और आपको बता दूं, जैसी ये स्क्रीन पे दिखाई देती है बहुत ही ऐसी रोना धोना टाइप, वो जैसा बिल्कुल नहीं है, वैसी ये असल में नहीं है। उससे बिल्कुल उलट है, ये उलट उलट पुलट कर देती हूँ मैं। एक साल की जर्नी में कितने अप्स एंड डाउन रहेंगे, तो कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहोगे। हम तो अप ही रहे हैं, डाउन कब रहे हैं। डाउन तो कभी ऐसा टाइम नहीं आया नहीं, बस ये अभी ट्रैफिक का माहौल है, जो चार घंटे की जर्नी है वो बस लाइफ में बदलाव आया है, अदरवाइज शूटिंग पे सब अभी मतलब बड़ा अच्छा लगता है लोगों को डेली रात को किसी भी हाल में, मतलब आज दिवाली हो चाहे वो दशहरा हो, उनको बस रात को 9 बजे टीवी खोलना है और संतोषी माँ देखना है। करेक्ट। या तो कभी नहीं भी देखते, अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, अच्छा बुरा हो, वक्त हो या कोई बीमार है या किसी की शादी है या खुद की तबीयत खराब है, वो सब छोड़ छाड़ के 2.5 घंटे ट्रैफिक में आना, 12 घंटे शूट करना और 2.5 घंटे फिर वापस, कभी कभी 3 घंटे, मतलब हमने जिंदगी त्याग दिया है, हमने जिंदगी त्याग दिया है, हमने समर्पित कर दिया है। अगर आपको हमारा शो वाकई बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे लिए और भी दुआएं करिए, और इतनी दुआएं करें कि हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिले। नहीं मजाक करें, पर दुआएं करें कि शो हमारा 7 साल चले, 7 साल के ज़्यादा चले, नहीं 7 साल काफ़ी हो गए मुझे और भी लाइफ बहुत कुछ करना है। 7 साल चले, 7 साल चले और ऐसे ही बस हमारे साथ बने रहिए, और इतना समझ लीजिए कि हम बहुत मेहनत करते हैं आपको मतलब एंटरटेन करने के लिए, आपके मनोरंजन, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हम लोग एक दूसरे को झेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हर रोज शूट। मेरा तो डबल मेहनत होता है, एक तो आपको भी एंटरटेन करता हूँ, सेट पे इसको भी एंटरटेन करना पड़ता है, तो मतलब आप समझ रहे ना, इसके तो पर डे भी नहीं मिलते मुझे। चलिए फिर जाते जाते, इतना सारा मैसेज तो दे दिया, इतना सारा मैसेज दे दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने हमारे शो को लाइक किया है, पसंद किया है, ऐसे ही करते रहिए और देखते रहिए, और कोई शो मत देखिए जब हमारा शो आता है 9 बजे, सिर्फ संतोषी माँ। संतोषी माँ आप लोगों को बहुत बरकत देंगी, बहुत बरकत हमें मिली है। और एक्चुअली ये 1 साल का बर्थडे हम लोग आपकी वजह से मना रहे हैं, मतलब आप लोग हैं इसलिए हम 1 साल तक पहुंचे हैं, और 7 साल भी अगर पहुंचेंगे तो आप लोग की दुआ के लिए। देखिए वो आ जाता है ना, जो आजकल फोन पे आता है कि अगर आपने ये मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो देखिए अगर आपने हमारा शो नहीं देखा ना 9 बजे तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपका टीवी खराब हो जाएगा। ये काम बंद कर ले। Thank you.